आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। यूनिफॉर्म सिविल कोड को फैसला को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। बीजेपी नेता ने वोटर्स को बांटने के लिए पार्टी नेताओं के अकाउंट में जमा कराए थे पैसे। टीआरएस ने ईसी से की शिकायत। पीएम मोदी ने छठ पूजा से शुरू की मन की बात, बोले एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण है ये पर्व। जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी पर कांग्रेस ने किरेन रिजिजू पर किया वार, बोले किरेन रिजिजू को इतिहास का ज्ञान नहीं। शिवसेना नेता और मुंबई की पूर्व मेयर को दादर पुलिस का समन। विधानसभा उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने मामा मामी पर कसा तंज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी, स्कूली छात्रों के साथ लगाई रेस, दौड़ पीछे दौड़ने लगे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को संबोधित किया, बोले मैंने यहां के लोगों का दर्द महसूस किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी को शिवभक्त बताया, कहा मोदी हर हफ्ते गुजरात जा रहे हैं, हालत खराब। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनियावाला ने बताया आपका पाप, बोले नई शराब नीति से सरकारी खजाने को। दिल्ली महिला आयोग चेयरपर्सन को धमकी, स्वाति मौलीवाल बोली राम रहीम के अनुयायी धमका रहे हैं, हिम्मत है तो सामने आकर गोली मारे। गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए बनेगी कमेटी, रिटायर्ड जज होंगे अध्यक्ष। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हो चुकी है घोषणा। कोयंबटूर ब्लास्ट के तार आईएसआई से जुड़े आरोपी ने कबूला, यह श्रीलंका स्टर ब्लास्टर से आरोपियों से मिल चुका है। तेलंगाना विधायक रिश्वत मामले में मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, बोले अमित शाह को गिरफ्तार करो। बीजेपी सांसद को दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी से बदसलूकी करना पड़ा भारी, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज। शरारती तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति खंडित किया, औरैया में हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, तनाव के बाद एसडीएम और पुलिस अफसरों ने संभाला मोर्चा। बांदा में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटी, 13 लोग गंभीर रूप से घायल, चालक पर नशे में होने का आरोप। बुलंदशहर में सूदखोरों से परेशान होकर मिठाई व्यापारी मोहित ने खाया जहर, व्यापारी की गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवरिया में नोना पार महोत्सव का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न कलाकारों ने लिया हिस्सा।
फर्रुखाबाद रोशनाबाद मार्ग पर हुआ भीषण हादसा, कार और डंपर की टक्कर से एक की मौत, 5 घायल। गोंडा में इलाज व चारे के अभाव में अस्पताल परिसर में मरणासन्न स्थिति में है पशु, मामला पशु चिकित्सालय कनलगंज से सामने आया है। हरदोई में इलाज के दौरान हुई छात्र की मौत, परिजनों ने शिक्षक पर लगाए पिटाई करने का आरोप। आईआईटी कानपुर के बाद एनएसआई में देखा गया तेंदुआ, लॉन में मिले पैरों के निशान, वन विभाग की टीम कॉम्बिंग में जुटी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा छठ पूजा, प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिया बड़ा उपहार, बिजली न काटने को कहा। मैनपुरी पुलिस ने 107 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, 24 घंटे अभियान चलाकर 13 थानों की पुलिस ने की कार्रवाई। लखनऊ के गोडंबा में महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या, पुरानी रंजिश में अंजाम दी गई वारदात को। मैनपुरी में शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, अपराध करने वालों की जमा की गई, एक अभियुक्ता की संपत्ति कुर्क की गई। मैनपुरी में मोबाइल की कॉल डिटेल से पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, 22 अक्टूबर हुई थी हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से पवन नमकीन रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, मौके पर तीन अंबेडकर नगर में जुआरियों पर कार्रवाई करना, सिपाही को पड़ा भारी, पूर्व जिलाध्यक्ष ने सिपाही को दी मारने की धमकी। अयोध्या में छात्रा का रास्ता रोक, दबंग युवक ने की पिटाई, दबंग द्वारा छात्रा की पिटाई करते हुए वीडियो हुआ वायरल। गोंडा में मेडिकल से दवा लेने गया तीरमारदार के साथ हुई चोरी, चोर ने हाथों की सफाई से जेब से उड़ाए 10,000 रुपए। पीलीभीत में बुखार से 7 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घरों में तप रहे मरीज, खौफ में जी रहे 40,000 की आबादी। एसएसपी बोले नागरिकों की सुरक्षा में पुलिस तत्पर, मुजफ्फरनगर में चौकी सराय की उद्घाटन में चौकीदारों को बांटे कंबल। फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, भाजपाइयों ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रणनीति, कैबिनेट मंत्री बोले बूथ स्तर पर करेगा। प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई सरकार की बंजर भूमि, मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण कराने पर प्रधान के पति पर एफआईआर। महोबा में आरोपी पक्ष के समर्थन में उतरी बाजियुमो, कहा साजिश करके फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की। सीतापुर में सराफा व्यापारी से लूट, 75,000 की नकदी सहित 4,00,000 का माल किया पार, असलहे के बल पर की थी लूट। कानपुर में डेंगू हुआ और खतरनाक, कुल मरीजों की संख्या पहुंची 50 के पार, 2 डेंगू पेशेंट कोमा की स्थिति में पहुंचे। कुशीनगर में कम्युनिस्ट पार्टी के सगीर आलम ने थामा सपा का दामन, लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलाई सदस्यता।
लखनऊ के आलमबाग में दुकानों में लगी आग, देर रात आग ने लिया विकराल रूप, दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाक। कासगंज में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस के हत्थे चढ़ा ठगी करने वाला साइबर ठग, रकम भी बरामद किए गए। लखनऊ में रिटायर वैज्ञानिक को बंधक बना, लाख के जेवर लूटे, चाकू लेकर घर में घुसे बदमाश, विरोध पर सिर फोड़ा। आजमगढ़ में 3 हॉस्पिटल सीज, बी फार्मा और एएनएम छात्र चलाते मिले अस्पताल, 4 झोला छाप क्लिनिक बंद कर फरार हुए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सोमवार को ही सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री सहित मौजूद रहे कई बड़े नेता। उत्तराखंड में अंकिता की हत्या के मुख्य आरोपी पुल के तार की फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंचे पुलिस। उत्तराखंड में नशा उन्मूलन का संदेश लेकर दून के साथ दौड़े सीएम धामी, कैलाश खेर ने बिखेरा आवाज का जादू। उत्तराखंड में बनेगा गुरु गोरखनाथ सर्किट, पर्यटन मंत्री की पहल पर बन रही है कार्य योजना। उत्तराखंड में 2025 तक 1,25,000 दीदी बनेंगे लखपति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लॉन्च करेंगे योजना। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कटाक्ष, बोले दिल्ली का फेल इंजन उत्तराखंड को क्यों सहारा देगा, सरकार के शौक जनता पर पड़ रहे हैं भारी। उत्तराखंड में गंगा में नहाने के दौरान दिल्ली के 2 युवक डूबे, राफ्टिंग के बाद नहाने उतरे थे 3 दोस्त। उत्तराखंड में ऋषिकेश में महिला के संदिग्ध अवस्था में मौत, पति फरार, पिता ने जताया हत्या का अंदेशा। यूपी के एसएससी पेपर लीक प्रकरण में एएसटीएफ ने की 42वीं गिरफ्तारी, धामपुर स्थित इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं आरोपित। उधम सिंह नगर में हमले के आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभासद ने समर्थक संघ घेरी, कोतवाली हंगामा किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ 12 वर्ष बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा भगौड़ा पति, पत्नी को खुदकुशी करने को किया था मजबूर। कल संसद में गूंजेगी नैनीताल रोहित की आवाज, पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में देंगे भाषण। उत्तराखंड में कालागढ़ के पूर्व डीएफओ किशन चंद की बड़ी मुश्किलें, विजिलेंस ने जुटाए सबूत, होंगे गिरफ्तार। देहरादून में 1 सप्ताह में होगी बीकेटीसी में वित्त नियंत्रक की नियुक्ति, विरोधियों को लेकर अध्यक्ष ने दिया बयान। उत्तराखंड के देहरादून में कोरोना संक्रमण का असर कम, खतरा नहीं हुआ खत्म, प्रदेश में रोजाना मिले रहे 10 से कम संक्रमित। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा, इमरान खान के सेना प्रमुख की नियुक्ति के प्रस्ताव को किया खारिज।
इराक के पूर्वी बगदाद में फुटबॉल स्टेडियम के पास विस्फोट, 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल। ब्रिटेन को रूस की सीधी चेतावनी, बाल्टिक सागर क्रीमिया में आतंकी हमले के लगाए आरोप। विरोध मार्च के दूसरे दिन इमरान खान ने सैन्य प्रतिष्ठान पर साधा निशाना, कहा हमें भेड़ बकरी समझते हैं। पुतिन के इशारे पर हैक किया गया पूर्व ब्रिटिश पीएम लीज ट्रस्ट का फोन, चुरा ली एक साल की टॉप सीक्रेट जानकारी। हेलोवीन फेस्टिवल में भगदड़ से 151 की मौत, साउथ कोरिया की घटना, कई की जान हार्ट फेल से गई, 82 से ज्यादा घायल। फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन से 72 लोगों की मौत, 33 घायल और 14 लापता। ब्रिटिश क्वीन कैमिला के प्लेन से टकराया पक्षी, बेंगलुरु से लंदन जा रही थी, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। अमेरिका के घर में लगी 8 आतंकी हमले से दहला सोमालिया, मोगादिशु कार ब्लास्ट में 100 लोगों की मौत। IOCL को पेट्रोल डीजल और LPG पर हो रहा है नुकसान, कंपनी को जुलाई सितंबर में 272.35 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। NTPC की दूसरी तिमाही रिजल्ट आया सामने, दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.5% बढ़कर 3,331 करोड़ रुपए हुआ। मारुति सुजुकी की दूसरी तिमाही रिजल्ट आया सामने, नेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़कर 2,061 करोड़ रुपए रहा। रिजल्ट के बाद कंपनी का शेयर 5% चढ़ा। शक्कर के एक्सपोर्ट पर अगले आदेश तक रोक, देश में महंगाई थामने के लिए केंद्र का फैसला। इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई हैं बड़े खरीदार। मारुति ने वापस बुलाई 9,925 कारें, 3 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुई थी मैन्युफैक्चरिंग, रियर ब्रेक असेंबली पिन में डिफेक्ट। दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर गौतम अडानी, 8वें नंबर पर अंबानी। एलन मस्क ने कर्मचारियों की छंटनी का दिया आदेश, ट्विटर की नीतियों में भी होंगे बदलाव। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर, स्वर्ण भंडार की भी घटा, SDR बढ़ा। केरल के बाद अब कर्नाटक में छटनी की तैयारी में, बायोजी कर्मियों से जबरन मांग रहा इस्तीफा। देश में महंगाई से निपटने के लिए नीतिगत प्रयास जरूरी, RBI ने बाहरी फैक्टर्स को बताया जिम्मेदार। आखिरी गेंद का ड्रामा, किस्मत ने जिम्बाब्वे को 2 बार दिया मैच जीतने का मौका, लेकिन बांग्लादेश ने मारी बाजी। शाकिब अल हसन के शानदार थ्रो ने जिम्बाब्वे के मुंह से निकाला मैच, दिलवा दी टीम को जीत।
बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स की हुई चोटिल, पिछले मैच में लगाया था शतक। पिता के संन्यास लेने के बाद 7 साल बाद बेटे का हुआ चयन, तेज नारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज टीम में हुए शामिल। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 6 विकेट से हराया, सेमीफाइनल की उम्मीद को रखा बरकरार। संन्यास के बाद कोकीन के आदि हो गए थे अक्रम, अपकमिंग ऑटोबायोग्राफी सुल्तानी मियार में वसीम ने किया खुलासा। फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी, मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में चोई मिंग को दी मात। भारतीय ने किया जिम्बाब्वे का काया पलट, लालचंद राजपूत ने टीम में जान फूंकी, पाक को हराया, अब सेमीफाइनल पर नजर। कामरान अकमल ने बाबर आजम को बनाया निशाना, चाचू समझते हैं तो T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी। ग्लेन फिलिप्स ने मचाई खलबली, ठोका तूफानी शतक, T20 वर्ल्ड कप में बनाया रिकॉर्ड। शाहरुख के फैंस के लिए दोहरी खुशखबरी, जन्मदिन पर रिलीज होगा पठान का टीजर, DDLJ को भी रिलीज करने की तैयारी। पहली पाकिस्तानी फिल्म बनी। बेटी के साथ शिल्पा ने खेला गोल्फ, सामने आया मां बेटी का क्यूट वीडियो। थाई मसाज का पार्टी एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया। कोरिया में छाया बॉलीवुड, रणवीर सिंह का खुमार गानों पर कोरियन छात्राओं ने किया डांस। सांसद बनना चाहती है कंगना रनौत, बोला बीजेपी अगर मौका देती है तो जरूर चुनावी लड़ेंगी। बीमारी से जूझ रही है सामंथा, बताया जल्दी ही ठीक हो जाएंगी वो। सारा अली खान का जिम लुक हुआ वायरल, पिंक टी शर्ट और व्हाइट टी शर्ट में दिखी खूबसूरत। लोढ़ा ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि हर कोई बेवफा नहीं होता है, जल्द ही बताएंगे क्यों छोड़ा तारक मेहता का शो। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।